आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह HP नोटबुक में टच पैड, मल्टी फिंगर गेस्चर किस तरह बंद कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले टाइप हेयर टू सर्च में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद आपको दिखाई देगा कंट्रोल पैनल, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको दिखाई देगा व्यू बाय कैटेगरी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से लार्ज आइकन्स को सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर सिनेप्टिक्स टचपैड दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। और फिर आपको इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा मल्टी फिंगर गेस्चर। तो मल्टी फिंगर गेस्चर में क्या क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टू फिंगर स्क्रोलिंग, पिंच जूम, रोटेटिंग, थ्री फिंगर फ्लिक। तो टचपैड से आप ये चार चीज़ें कर सकते हो जब आप मल्टी फिंगर गेस्चर इनेबल रखते हो। मुझे मल्टी फिंगर गेस्चर डिसेबल करना है तो मैं मल्टी फिंगर गेस्चर को अनटिक करता हूँ। जैसे ही मैंने अनटिक किया यहाँ से ये चारों भी ऑप्शन जो है अनटिक हो गए हैं। अब मैं टू फिंगर स्क्रोलिंग भी नहीं कर पाऊँगा, जूम भी नहीं कर पाऊँगा, रोटेट भी नहीं कर पाऊँगा और फ्लिक भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हमने मल्टी फिंगर गेस्चर बंद कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरह आप मल्टी फिंगर गेस्चर बंद कर सकते हैं।